मैं वो क्यों ना बताऊं जो मैं जानता हूं अगर आप लोग नहीं जानते। न्यूज़ 24 की खबर के मुताबिक अब तोकलना 10 अक्टूबर से नया स्टेटस तब्दील कर दिया जाएगा। तोकलना में जो अम्यून लिखा हुआ आता है अब वो किन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ली हुई होगी। जिसने एक वैक्सीन ली होगी उसके ऊपर अम्यून लिखा हुआ अब नहीं आएगा 10 अक्टूबर के बाद, और जिसने दोनों वैक्सीन ली हुई होंगी उसके ऊपर अम्यून लिखा हुआ आएगा। साफ साफ सीधी सी बात है, जिसने दो वैक्सीन ली हुई है उसके ऊपर अम्यून लिखा हुआ, और जिसने दो वैक्सीन नहीं ली हुई उस पर अम्यून नहीं लिखा हुआ, अगर बेशक उसने एक भी ली हुई हो। और अगर किसी ने एक वैक्सीन ली हुई है और उसने दूसरी वैक्सीन के लिए डेट भी ली हुई है तो उस पर वो स्टेटस में लिखा हुआ आएगा अम्यून। और ये भी कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद फाइजर, एक्स्ट्राजेनिक और मेडोना की जिसने दो दो खुराकें ली हुई हैं उनके तोकलना के स्टेटस में अम्यून लिखा हुआ आएगा। और जिसने जॉनसन की वैक्सीन ली हुई है, उसने एक भी खुराक ली हुई है, उसका भी तोकलना पे अम्यून लिखा हुआ आएगा, अगर उसने दूसरी वैक्सीन की डेट भी ली हुई होगी तो। नहीं ली हुई होगी तो अम्यून लिखा हुआ नहीं आएगा। और 14 दिन के बाद जब वो दूसरी जॉनसन की वैक्सीन लेगा तो उसका फुल इम्यून लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नहीं लेगा दूसरी तो वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी। वजारत सेहत की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि जिसने दो खुराकें दो वैक्सीन ली हुई है उसके तोकलना पे 10 अक्टूबर के बाद इम्यून लिखा हुआ आएगा, और जिसने नहीं ली हुई होगी या एक कम होगी तो उसके तोकलना के स्टेटस पे इम्यून लिखा हुआ नहीं आएगा। और ये भी कहा है कि 10 तारीख के बाद जिस शख्स ने एक वैक्सीन ली हुई है और 10 अक्टूबर के बाद उसका इम्यून स्टेटस हट जाएगा जब तक वो दूसरी नहीं लेगा, जब दूसरी वो लेगा तो वो स्टेटस वापस आ जाएगा इम्यून, एक वाले को इम्यून अब नहीं बोला जाएगा तोकलनामे। वजारत साहा ने यह भी बोला है कि जैसे लोगों को कोरोना होता था और सेहतयाब होने के बाद उनके स्टेटस में अम्यून लिखा आता था, लेकिन अब अगर 9 रोज़ के या 10 रोज़ के बाद वैक्सीन ना लगवाई कोरोना होने के बाद तो भी वहाँ पर अम्यून लिखा हुआ नहीं आएगा और उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। भाइयों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, न्यूज़ में आया वजारत साहब की तरफ से, यकीन ना हो तो चेक करके देख लो आप लोग, दूसरों से भी शेयर करें ताकि जिसको इस न्यूज़ का नहीं पता था उसको पता चले, और जिसने वैक्सीन दोनों नहीं लगाई ताकि वो जल्द से जल्द लगाए, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद स्टेटस चेंज हो जाएंगे और वो अम्यून नहीं रहेंगे जिन्होंने दो वैक्सीन नहीं लगाई हुई।